पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने ऑक्सीजन की उपलब्धता का जायजा लेने के लिए बीएचएल के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। सतपाल महाराज ने ऑक्सीजन प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए उनका आभार जताया। सतपाल महाराज ने कहा कि बीएचएल के ऑक्सीजन प्लांट में काफी मात्रा में कर्मचारी प्राणवायु बना रही है और लोगों के प्राण बचा रही है। काम कर रहे हैं लोग, दिन रात काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत सलाम और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो समाज की सेवा कर रहे हैं। जो कोरोना से पीड़ित है उनके लिए प्राणवायु देने का काम कर रहे हैं। ये प्लांट हमारे चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। 3000 की लगभग कैपेसिटी है, जिसमें से कुछ यूपी भी जा रहे हैं। तो क्योंकि आने वाले समय में बहुत डिमांड आ सकती है, तो इसके लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि एक प्लांट और लगाया जाए और इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए। द्वाराहाट क्षेत्र के विधायक महेश नेगी ने कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड को अल्मोड़ा में ज्ञापन दिया और विपिन त्रिपाठी कुमाऊं औद्योगिक संस्थान में कोविड सेंटर के लिए द्वाराहाट में बनाने की बात कही थी। उसी परिपेक्ष में मंगलवार को अल्मोड़ा से सीडीओ नवनीत पांडे, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट गौरव पांडे, बीटेक आईटी के प्रोफेसर अजय सिंह आदि लोगों ने शिवालिक छात्रावास और गौमुख छात्रावास का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने सीडीओ नवनीत पांडे ने बताया कि शिवालिक छात्रावास में 170 बेड का कोविड हॉस्पिटल, साथ ही गौमुख छात्रावास को 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त सेंटर बनाने की सहमति जाहिर की। देवप्रयाग में बादल फटने से नगर में भारी तबाही हुई है। नगर पालिका का बहुद्देशीय भवन समेत 2 भवन जमींदोज हो गई है। कल शाम करीब 5 बजे शांता नदी के ऊपर छोर पर बादल फटने से नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी में आए मलबे ने शांति बाजार में भारी तबाही मचाई है। नगर पालिका का बहुद्देशीय भवन समेत 2 भवन जमींदोज हो गई है। पैदल पुल का भी कहीं अता पता नहीं है। इसके अलावा बिजली की लाइनें, पेयजल लाइन को भी भारी नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि शहर में मलबा घुसने से पहले लोग दुकानों को छोड़कर इधर उधर हो गई, अन्यथा यहां बड़ी जनहानि होती। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। ओखलकांडा के ग्राम सभा काफली में देवकी देवी को वैक्सीन लगाने के एक हफ्ते बाद भी नहीं उतरा बुखार। डोली के सहारे लोगों ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर रोड तक पहुंचाया। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में ग्रामीणों ने रोड से 25 किलोमीटर दूर देवी धुरा चंपावत ले गए। ओखलकांडा ब्लॉक के कई गांवों में ग्रामीण बुखार, खांसी, जुकाम की चपेट में है। हालांकि ग्रामीण इसे मौसमी वायरल मान रहे हैं। तेजी से फैल रहे वायरल से ग्रामीणों में डर भी बना हुआ है। ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से गांव में टीम भेजकर दवा का वितरण की मांग की है। तराली में टीकाकरण केंद्र बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी को प्रधान संघ अध्यक्ष जगमोहन सिंह रावत ने पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा कि टीकाकरण केंद्र को बढ़ाने से जनता को जल्द से जल्द टीका लग पाएंगे और इससे कोरोना की रोकथाम भी जल्द होगी। कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष के नागरिकों का टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण किया जाना है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कोविड के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और निजी अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक कर कोविड की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान निजी अस्पतालों की मनमानी और मरीजों के साथ की जा रही लूट पर मंत्री बंशीधर भगत का पारा चढ़ गया। उन्होंने बैठक में निजी अस्पताल संचालकों की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि जो भी निजी अस्पताल संचालक मनमानी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। सरकारी जो मशीनरी है उसके लिए भी कहा है, प्राइवेट अस्पताल को विशेष रूप से कहा है कि एक तो बड़ी सख्ती से कहा है कि वो रेट लिस्ट वो लगाएं और कितने बेड हमारे पास आज उपलब्ध हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने खाली हैं, ये कल से हम चेक करवाएंगे अपनी टीम से। ये हमने कह दिया कि उनको जो शोषण करेगा और बेड खाली होने के बाद भी बेड नहीं देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। धारचूला मुंशियारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश धामी इस समय बेटी की मौत के बाद गहरी दुख में है। इतनी बड़ी दुख की घड़ी में भी विधायक हरीश धामी को अपनी विधानसभा क्षेत्र धारचूला मुंशियारी की जनता की फिक्र है। वहीं विधायक हरीश धामी ने जनता से मांगे जवाब। विधायक हरीश धामी ने कहा कि विधायक निधि में जो पैसा 2 करोड़ रुपए आया है, मैं चाहता हूं कि वो सारा पैसा जनता के अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाओं के ऊपर ही खर्च किया जाए, जिसके अंतर्गत धारचूला विधानसभा क्षेत्र की जनता को धारचूला मुंशियारी में ही सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। हरिद्वार में 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के प्रेमनगर आश्रम सहित कई वैक्सीनेशन सेंटरों में अव्यवस्थाओं के चलते पहले दिन ही हंगामा खड़ा हो गया था। कल हरिद्वार सीएमओ एसके झा ने इन सेंटरों का निरीक्षण किया।
सीएमओ ने प्रेमनगर आश्रम में बने वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों को तय समय और नियम के अनुसार वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए। सीएमओ एसके झा ने बताया कि हरिद्वार जिले में रोजाना 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, इसलिए प्रत्येक सेंटर पर लगभग 300 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। मसूरी में कोरोना कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल के नेतृत्व में पुलिस द्वारा मसूरी के चौक चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। कोतवाल द्वारा मसूरी के कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया गया और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों को कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। शासन की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उनका मसूरी पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से पालन कराया गया है। जो भी वाहन घूम रहे हैं 10 बजे के बाद प्रत्येक वाहन को रोक के उनको घूमने का कारण पूछा जा रहा है। लगातार वाहन भेज रहे हैं और आवश्यक सेवाओं को ले रहे हैं। बाकी जो अनावश्यक घूमने वाले उन पर चालान कार्रवाई की जा रही है और चालान मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। देखो ये जो गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और अगर ये सख्ती किसी को अगर अनावश्यक लगे तो वो अलग बात है। लेकिन उत्तराखंड में बड़ी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। संक्रमण के दौर में उत्तराखंड पुलिस देवदूत बनकर आगे आई है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर चलाए गए मिशन हौसला के तहत सभी पुलिसकर्मी कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। हरिद्वार में कल उत्तराखंड पुलिस द्वारा एंटीबॉडी टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस समेत कोरोना से ठीक हुए सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया। मेला नियंत्रण भवन में ब्लड बैंक और ब्लड वॉलंटियर्स के सहयोग से कैंप में सभी पुलिसकर्मियों का एंटीबॉडी टेस्ट किया गया। कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सड़क और फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी एटलिस भी जनसेवा के लिए आगे आई है। एनएचआई के दिशा निर्देश के बाद डोईवाला में हाईवे सड़क और फ्लाईओवर निर्माणदायी संस्था एटलिस कंपनी के एमडी आनंद प्रताप सिंह ने कंपनी के एचआर हेड ऑफिसर लोकेश देशवाल ने जोलीग्रांट में स्थित हिमालयन हॉस्पिटल में मात्र 24 घंटे के भीतर दिन रात मेहनत करके ऑक्सीजन प्लांट के लिए ढांचा स्थापित किया है। इस तैयार शेड में डीआरडीओ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने के बाद ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये ऑक्सीजन हिमालयन हॉस्पिटल को दी जाएगी जहां कोविड के भर्ती मरीजों के इलाज में काम आएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संक्रमण को कम करने का लगातार कार्य किया जा रहा है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटी ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और मैदानी क्षेत्रों से घरों को लौटे लोगों को क्वारंटाइन में रहने के आदेश दिए और कोविड के लक्षण दिखाई देने पर सैंपल देने की अपील की। 11 मई को थाना उखीमठ पुलिस द्वारा ग्राम शिरसौली में अभियुक्त प्रमोद सिंह पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम करोखी पोस्ट ऑफिस देड़ा थाना उखीमठ को 48 साफ अंग्रेजी शराब सोलमेट के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना उखीमठ पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। एसएसपी नैनीताल के निर्देशानुसार कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नैनीताल जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं कोविड कर्फ्यू के नियमों का पालन न कराने वाले लोगों का दिनेश नाथ महंत ने मैं पुलिस फोर्स के थाना क्षेत्र में कर्फ्यू समय में खुली दुकानों और दर्जनों बेवजह घूम रहे वाहनों के चालान काटे। वहीं थाना अध्यक्ष कालाडूंगी दिनेश नाथ महंत का कहना है कि कालाडूंगी थाना क्षेत्र में कोविड के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान जारी रहेगा। इस समय जो है कर्फ्यू लागू किया है, मात्र फल और सब्जी की दुकानों के अलाउ किया गया है। इसके अलावा जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए गया है, इसके अलावा जो भी नियमों का सरकार के शासन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए लगातार पुलिस बॉर्डरों में चेकिंग कर रही है और अंदर बाजारों में चेकिंग कर रही है, इसे लगातार जारी है। हल्द्वानी में चल रही कालाबाजारी को लेकर ड्रग्स विभाग और पुलिस विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है। वह ड्रग्स विभाग को रात्रि में सूचना मिली कि विवेकानंद हॉस्पिटल में बने मेडिकल स्टोर सूर्य वैली फार्मेसी में इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी और मुखानी थाने के प्रभारी सुशील कुमार ने सूर्य वैली फार्मेसी में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कोविड में लगने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर दुकान में मिले और इन इंजेक्शन का कोई भी बिल दुकान स्वामी नहीं दिखा सका। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके नाम पर फार्मेसी का लाइसेंस था वह भी वहां मौजूद नहीं थे। देश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से इस कोरोना महामारी में हर कोई रूबरू हो गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा बार बार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की गला फाड़ के प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन धरातल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाली के आंकड़े शून्य से भी नीचे पहुंच चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डबल इंजन सरकार के उत्तराखंड प्रदेश से कोटद्वार के बेस चिकित्सालय की, जहां पर 300 बेड हॉस्पिटल होने की बात हमेशा से होती आ रही है, लेकिन धरातल में अस्पताल 300 बेड से कोसों दूर है। बेस चिकित्सालय की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि
मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मरीजों को अपनी सांसें जिंदा रखने के लिए कोने में फर्श का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे मरीजों में संक्रमण का खतरा अधिक बना रहता है। इस समय आज की जो स्थिति है, इस समय हमारे पास आपके टोटल 70 बेड है जो की नॉन कोविड वाले 70 बेड है, जहाँ सस्पेक्टेड केसेज है हमारे। उन सस्पेक्टेड केसेज में 16 पेशेंट्स ऑक्सीजन सिलेंडर में हैं और आपके 35 पेशेंट्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी में उपलब्ध करा रखे हैं। ऊपर से जब मरीज शिफ्ट होंगे या डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि मरीज थोड़ा जाने में टाइम ले रहा है, नहीं जा रहा है तुरंत, थोड़ा सैचुरेशन लेवल ठीक आने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो जब तक वो बेड खाली नहीं करेगा तब तक हम नीचे से ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस भी स्थिति में है, हम उसको ऑक्सीजन और जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं। नरेंद्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट विधिवत चालू होने के एक हफ्ते बाद से आईसीयू बेड की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। इस खबर के मिलते ही लोगों में खुशी और कोरोना मरीजों में उत्साह है। ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से तुरंत बाद आईसीयू बेड सेवा शुरू हो जाने से कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अस्पताल में 7 आईसीयू बेड में 4 फंक्शन में है। यहाँ की फैसिलिटी इंक्रीज कराने के लिए जो प्रयास किए हैं उसके तहत आज आईसीयू का यहाँ स्टार्ट हो गया है। 7-बेडेड आईसीयू है, कुछ स्टाफ पूल किया गया है मैम के द्वारा ट्राई करते हुए, तो आज से स्टार्ट हो गया है हमारा आईसीयू ऑफिशियली, पेशेंट एडमिट हो गए। राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर से कल आपको एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आईसीयू कल शाम से फंक्शनल हुआ है, जिसमें कि हमारे अभी 4 बेड फंक्शनल हैं जो कि पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो गए हैं। स्टाफ हमारे यहाँ आईसीयू के लिए आ गया है अभी। हाँ, और हमने अपने आईसीयू के उसके लिए वार्ड बॉय और उसके लिए वार्ड बॉय और स्वच्छक के लिए डिमांड कर दी है, जिसके लिए हायर स्तर से प्रयास जारी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।